हेलो फ्रेंड्स, ओम शायराम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कस्टमर की डिमांड से मैंने बनाया बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पहले ये मैंने स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज को देखिए कैसे कट कर रही हूँ मैं, और इसको इसका काटने का वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है चैनल में कि हमको केक को कैसे कट करना है। और ये देखिए केक हमारा अच्छे से कट हो गया है, और ये थोड़ा जल्दी में केक था तो मैंने हल्का गरम गरम कट कर लिया था, तो जिससे इसका क्रम बाहर आ रहा है। केक पूरे तरीके से ठंडा हो जाए तभी केक को कट करना चाहिए। तो देखिए ये मैंने सबसे पहले नॉर्मल वाटर पे स्ट्रॉबेरी क्रस को मिला दिया था। आप नॉर्मल वाटर का यूज़ भी कर सकते हो और शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा फ्लेवर देना है ना केक पे, तो आपका जिस केक का फ्लेवर का केक का ऑर्डर है ना, तो उसमें थोड़ा सी वाटर मिला के, तो ये एक लिक्विड सा वो बना लेना है वाटर टाइप का, जिससे हम उसमें केक पे सोकिंग कर सकें। तो अब ये मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज पे ये क्रीम लगाने के बाद स्ट्रॉबेरी क्रस को अच्छे से डालना है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि बेकरी में जो केक होते हैं ना उसमें बिल्कुल भी बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ें डाल दी जाती है, लेकिन हमको अच्छे से बनाना है जिससे हमारे कस्टमर हमारे पास बार बार लौट के आए। तो बिना कंजूसी करे हुए हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डालनी है। और ये देखिए मैंने क्रम कोटिंग करने के बाद इसकी फाइनल आइसिंग करना स्टार्ट करा हुआ है। इसके लिए पहले अगर आप चॉकलेट गनाश केक बना रहे हो ना, तो उसके लिए आप गर्म पानी अपने पास रखो। अगर आप व्हिप क्रीम वाले केक बना रहे हो तो उसके लिए आप अपने पास ठंडा पानी रखो, जिससे हमारे जो केक में है ना अच्छे से साफ हो जाता है। जो प्लेनेट टाइप है इसको थोड़ा थोड़ा सी पानी में डाल डाल के इसको, या फिर आप पानी में डालो, या फिर इसको आप टिश्यू पेपर से क्लीन करके केक के ऊपर अगर आप उसमें आइसिंग करोगे तो आपका केक बहुत अच्छे से शाइनिंग देगा और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। और ये देखिए मुझे बेकरी स्टाइल जैसे भी कस्टमर ने फोटो भेजी थी सेम बनाना था, तो ये इसके साइड में स्क्रैपर का यूज़ हुआ था, तो मैंने स्क्रैप कर लिया था केक को और अच्छे से ये इसको क्लीन कर दिया था, और साथ ही साथ मैं इसमें पानी से इसको क्लीन करती जा रही थी और टिश्यू पेपर भी रखा हुआ था। तो ये देखिए अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ केक को, और ये मेरा केक अच्छे से क्लीन हो गया है। ये जो केक बेस है इसको भी अच्छे से साफ कर लेना है, टिश्यू पेपर से कर लो या आप कैसे भी कर लो, आपकी चॉइस है, कपड़ा भी रख सकते हो आप बगल पे, और अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इसके बाद हमको पाइपिंग बैग में ये हमारा ये चॉकलेट गनाश है, इसको मैंने अच्छे से इसमें लिक्विड जो चॉकलेट गनाश है इस पर ये पोर कर दिया है, जिससे मेरी ये ड्रिपिंग अच्छे से बन गई है। जैसे कस्टमर की डिमांड थी सेम केक की फ़ोटो देख देख के मैंने बनाया है। और ये देखिए N1 नोज़ल से ये छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए हैं, और जो नीचे जो बेस है थोड़ा से दिख रही है जो हमारी, उसमें भी छोटे छोटे से N1 नोज़ल से ही मैंने इसमें अच्छे से चारों तरफ से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए हैं। और ये देखिए पूरा केक हमारा रेडी हो गया है, और इसमें अब एक एक जो फ्लावर्स है इसमें एक एक छोड़ के हमको इसमें चेरी रख देनी है, और इसके बाद हमें इसमें चॉकलेट सॉर्ट्स रखने हैं, कैडबरी जो चॉकलेट सॉर्ट्स होते हैं उसका मैंने यूज़ करा हुआ है। देखिए ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट का बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लो, उसको फ्रिज में रख दो, तो ये फाइनली चॉप ये जो चॉकलेट है इसको अच्छे से लगा दिया। और ये देखिए हमारा फुल केक रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ओम शायराम।